आखिर ये पीसी बिल्ड अल्टीमेट लेवल का पीसी बिल्ड होने वाला है। अगर आप कोई हाई एंड काम करने के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ये पीसी बिल्ड आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। आज मैं आपको इंटेल कोर i5 का 14th जनरेशन का पीसी बिल्ड के बारे में बताने वाला हूँ। इंटेल कोर i5 14900K के सीरीज के प्रोसेसर के साथ आज हम पीसी बिल्ड करने वाले, काफी हाई लेवल का पीसी बिल्ड है। किसी भी तरह का हाई टास्क करने के लिए, गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, अगर आप कोई ऐसा पीसी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका गेमिंग, एडिटिंग या हाई लेवल का किसी भी तरह का काम करना चाह रहे हैं तो ये पीसी बिल्ड आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। चलिए जानते हैं इस पीसी में हम कौन कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही जानते हैं इस कंप्लीट पीसी बिल्ड का प्राइस क्या होने वाला है, साथ ही हम जानेंगे इस पीसी में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पीसी बिल्ड में कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सा पार्ट्स हम इस पीसी बिल्ड में यूज कर रहे हैं। इस कंप्यूटर में हम जो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इंटेल कोर i5 का 14th जनरेशन का, जिसका मॉडल है 14600K। इस प्रोसेसर में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। के सीरीज काफी हाई लेवल का प्रोसेसर होता है जिसमें आप हाई लेवल के काम करने के लिए, गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए या कोई हाई परफॉर्मेंस काम करना है तो उसके लिए प्रोसेसर रिकमेंडेड है, परफेक्ट होने वाला है। इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड 3.5 GHz का है, जिसे आप बूस्ट करके 5.3 GHz तक ले जा सकते हैं। इस प्रोसेसर में आपको 14 कोर्स और 20 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपका हाई लेवल का काम काफी इजीली हो जाएगा, काफी स्मूथली हो जाएगा, किसी भी तरह का लैगिंग का या हैंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर आपको निकाल के देने वाला है। इसके साथ ही इस प्रोसेसर में आपको 24 MB का कैचे मेमोरी देखने को मिल जाता है। इस प्रोसेसर की वारंटी आपको 5 साल की देखने को मिलती है। इस प्रोसेसर का प्राइस आपको 26,000 से लेकर के 27,000 के रेंज में ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद इस कंप्यूटर में जो सबसे मेन पार्ट है वो है इस कंप्यूटर का मदरबोर्ड। इस कंप्यूटर में हम गीगाबाइट ब्रांड का बी सीरीज का मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, B760M GAX मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस मदरबोर्ड में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इधर आ जाइए। इस मदरबोर्ड में आपको 2 RAM स्लॉट देखने को मिलता है जो की डुअल चैनल में। इस मदरबोर्ड में आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो आपके पीसी को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। सबसे पहले इस मदरबोर्ड में आप 12th जनरेशन से लेकर 14th जनरेशन तक के प्रोसेसर को लगा सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आप मैक्सिमम 128 GB तक का रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको 2 NVMe का स्लॉट देखने को मिलता है, जिससे आप 4 TB 3 TB का SSD स्टोरेज भी ऐड कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको SSD स्टोरेज लगाने का Gen 4 का स्लॉट देखने को मिलता है, साथ ही PCI स्लॉट भी आपको Gen 4 का देखने को मिल जाता है। साथ ही सबसे मेन बात ये कि इस मदरबोर्ड में आपको 4 डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए भी आप इस मदरबोर्ड की मदद से 4 मॉनिटर तक इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट, एक DP पोर्ट और एक VGA पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इस कंप्यूटर में आपको वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये मदरबोर्ड बजट के अकॉर्डिंग काफी पॉपुलर मदरबोर्ड है, काफी प्रीमियम लेवल का मदरबोर्ड है, फ्यूचर प्रूफ मदरबोर्ड है। किसी भी तरह का अपग्रेडेशन करना हो तो इजीली कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड की वारंटी आपको 3 साल की देखने को मिल जाती है। इस मदरबोर्ड का प्राइस आपको 12,000 से लेकर 12,800 के रेंज में ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ इस कंप्यूटर में हम 16 GB का सिंगल स्टिक का रैम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो की कोर्सियर ब्रांड का है। 5200 MHz का रैम है। अभी फिलहाल हम इस पीसी में सिंगल स्टिक का रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो 16 GB का 2 RAM स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रैम की वारंटी आपको 3 साल की देखने को मिल जाती है। इस रैम का प्राइस 4000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम इस कंप्यूटर में 500 GB का NVMe SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि क्रूशियल ब्रांड का है। P3+ यानी Gen 4 वेरिएंट का SSD है। इसकी 5 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। इसका प्राइस 3000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप स्टोरेज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। मैं इस पीसी में 500 GB का SSD स्टोरेज यूज कर रहा हूँ। अगर आपको 1 TB का रिक्वायरमेंट है तो आप 1 TB का स्टोरेज यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इस कंप्यूटर में एयर कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि डीपकूल ब्रांड का है, AG400। ये एयर कूलर हमारे प्रोसेसर को कूल रखने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इस पीसी में लिक्विड कूलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एयर कूलर की वारंटी आपको 3 साल की देखने को मिल जाती है। डीपकूल काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, किसी भी तरह क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए हम इस पीसी में डीपकूल ब्रांड का एयर कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका प्राइस आपको 2000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये एयर कूलर आपको ARGB वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है, यानी इसके RGB को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम इस कंप्यूटर में गीगाबाइट ब्रांड का 650 वाट का 80+ ब्रोंज सीरीज में पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम इस पीसी में किसी भी तरह का ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमने प्रोसेसर के सीरीज का रखा है जिसमें बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फ्यूचर में ग्राफिक्स इंस्टॉल भी करना चाहे तो 650 वाट का पावर सप्लाई सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली पावर सप्लाई देने के लिए परफेक्ट होने वाला है। इसकी वारंटी आपको 5 साल की देखने को मिल जाती है।
गीगाबाइट काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, इसलिए हमने गीगाबाइट ब्रांड का पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है। इस पावर सप्लाई का प्राइस आपको 4800 से लेकर के 5200 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ इस कंप्यूटर में हम जो कैबिनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़ेब्रोनिक्स ब्रांड की तरफ से आने वाला है। बजट के अकॉर्डिंग काफी प्रीमियम लेवल का कैबिनेट। इस कैबिनेट में फ्यूचर में अगर आप लिक्विड कूलिंग भी लगाना चाहें तो इजीली लगा सकते हैं। इस कैबिनेट का मॉडल है ज़ेब स्टाइल, ये व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलता है। इस कैबिनेट में आपको बाय डिफॉल्ट 4 RGB फैंस देखने को मिलते हैं, 3 RGB फैन इस कैबिनेट के फ्रंट में देखने को मिलता है, 1 RGB फैन इस कैबिनेट के बैक साइड में देखने को मिलता है। इसके टॉप साइड में स्पेस दिया हुआ है जिसमें आप फ्यूचर में लिक्विड कूलिंग लगाना चाहें तो इजीली लगा सकते हैं। इस कैबिनेट के साइड में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास देखने को मिलता है, साथ ही इस कैबिनेट का एयर वेंटिलेशन काफी बेहतरीन है। इस कैबिनेट के बॉटम साइड में आपको एक पावर बटन, एक रीस्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही इस कैबिनेट के बॉटम साइड में ही आपको एक USB 3.0 का सपोर्ट, साथ ही USB 2.0 का 2 पोर्ट देखने को मिल जाता है। इस कैबिनेट में आपको काफी बेहतरीन स्पेस देखने को मिल जाता है। इस पीसी बिल्ड के लिए कैबिनेट काफी परफेक्ट होने वाला है, बजट के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है। साथ ही कैबिनेट फ्यूचर प्रूफ, यानी फ्यूचर में किसी भी तरह का बड़ा ग्राफिक्स कार्ड में इंस्टॉल करना हो तो इजीली कर सकते हैं। अब बात करें इस कैबिनेट की प्राइस की, तो ये कैबिनेट ऑलमोस्ट 3000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नया लॉन्च किया हुआ कैबिनेट है, ज़ेब्रोनिक्स ब्रांड की तरफ से काफी पॉपुलर कैबिनेट है। अगर हम बजट के अकॉर्डिंग देखें तो ये बजट के अकॉर्डिंग परफेक्ट कैबिनेट है जो आपके इस पीसी बिल्ड के लिए परफेक्ट होने वाला है। इसी के साथ ही ये पीसी बिल्ड कंप्लीट होता है। बात करें इस पीसी बिल्ड की प्राइस की, तो इस पीसी बिल्ड का प्राइस मात्र 55,900 का पीसी बिल्ड है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, ये कंप्लीट पीसी बिल्ड 55,900 का ये पीसी बिल्ड है। इसकी वारंटी ऑलमोस्ट 3 साल की देखने को मिल जाती है। इस पीसी में आप हाई लेवल का गेमिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, एनिमेशन का काम करना चाहते हैं या किसी भी तरह का ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड काम है तो ये पीसी आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड है। अगर आप इस पीसी में किसी भी तरह का हाई लेवल का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं, 4060 या 4070 सीरीज का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये पीसी फ्यूचर प्रूफ है, किसी भी तरह का अपग्रेडेशन करना हो तो इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस पीसी को परचेस करना चाहते हैं तो इस पीसी का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप उस लिंक में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस पीसी को ऑफलाइन में हमारे स्टोर से बिल्ड कराना चाहते हैं तो हमारे स्टोर का नाम है एनसीएल कंप्यूटर, जो कि रांची झारखंड में है। बाकी स्टोर का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस पीसी को फाइनेंस करवाना चाहते हैं, ईएमआई पे परचेस करना चाहते हैं तो हमारे पास इजी ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहां से कॉन्टेक्ट करके आप इस पीसी को ईएमआई में भी परचेस कर सकते हैं। अब बात करें इस पीसी की सर्विस और वारंटी की, तो जितना भी मैंने कंपोनेंट्स के बारे में बताया उस सभी कंपोनेंट्स के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से आप इसकी वारंटी और सर्विस क्लेम कर सकते हैं। हम जो जीएसटी बिल प्रोवाइड करते हैं उस बिल के माध्यम से आप ऑल ओवर इंडिया सर्विस या वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ये पीसी ऑफलाइन में हमारे स्टोर से बिल कराते हैं तो हमारे स्टोर विजिट करके भी ये पीसी का सर्विस और वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अब बात करें इस पीसी में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला है। अगर आप इस पीसी में अडोब आफ्टर इफेक्ट, अडोब प्रीमियम प्रो इस तरह का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हैं तो इजीली कर सकते हैं। किसी भी तरह का लैगिंग या हैंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए भी इस पीसी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हाई लेवल का गेमिंग और स्ट्रीमिंग इजीली करा देगा, किसी भी तरह का लैगिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कोडिंग, एनिमेशन या ग्राफिक्स डिजाइन से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो भी ये पीसी आपके लिए रिकमेंडेड है। उम्मीद करता हूं ये पीसी बिल्ड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपके मन में अभी कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पीसी का परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी भी टॉपिक के साथ।